वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। हाल वाकई छोटा जी, हाल वधिया होना चाहिए ना। आपां अक्सर पुछते रहने की हाल चाल है ना। तू चंगा होवे हाल तो सुनने वाले ने भी चंगा लगता तो कहने वाले ने भी चंगा लगता। और अपना तो वो हाल बनाना है जिस विच अपना बैठ के गुरु नूं अपना हाल सुनाना, जिथे बैठ के गुरु ने तखत ते साडा हाल सुनना। सो इस करके पैसे बड़े मैनू पता तुहाडे कोल, जिन्नी जल्दी बना लोगे उन्नी जल्दी चंगा, नहीं तो गांह गांह महंगाई बड़ी होंदी जांदी है ना जी। जदों आपां शुरू करना उदों इट्टां दा भा सरिए दा भा कुछ होर होना, जदों आपां संपूर्णता करनी उदों दुगनी चौगनी कीमत हो जाती, दिनां विच ते भा वध जांदे आ जी। ओह ना होवे जिहड़े प्रबंधकां ने पैसे इकट्ठे कीते फिर थोड़े छोटे हो जाण घट हो जाण। सो इस करके जल्दी जल्दी बना ही लो, मेरी तो यह सलाह तुहानूं। गुरु बख्शिश करे। वैसे इन्ना कि भरोसा होना चाहिए कि जिस गुरु को आपां रोज़ मंगते हाँ अपने घर बनाउण वास्ते, रोज़ किन्नियां ही दातां मंगते हाँ, उसनूं ये कहण की जरूरत नहीं कि उसका घर जिहड़ा वो जल्दी नहीं बनेगा बन जाएगा। तो गुरु प्यारिओ, मैं काफ़ी देर बाद तुहाडे दर्शन कर रहा हाँ। मैनूं तो इंज लग्गा सी शायद बन गया होना तो मैं नवें हाल विच कीर्तन करना। पुराना हाल भी चंगा होवे तो चंगा हुंदा उह वी। मेरे तो पहला सचखंड श्री हरिमंदर साहिब के हजूरी कीर्तनी भाई साहब भाई शौकीन सिंह जी, जो बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं, मैं अक्सर उन्होंने जदों कदे मैनूं मौका मिले मैं घर होवां दरबार साहिब तो चैनल तो सुनदा हाँ। सुगड़ कीर्तनी हैं, सियाने कीर्तनी हैं, वडभागी कीर्तनी है। मैं श्री दरबार साहिब के कीर्तनियों का बहुत सत्कार करदा। बेशक मेरे नालों उम्र विच किन्ने भी छोटे होण, मेरा दिल करदा हुंदा मैं इन्हां दे पैरीं हथ लाउं। मेरे बजुर्ग उन्हां दिनां दी मैं गल करदा, मैं बहुत पुराना हो गया ना, 60 साल पुरानी गल करन दिआं। तो विसाखी ते होले दे पुरब ते आनंदपुर साहब आउंदे हुंदे सी, उन्हां दिनां दे विच तुर के आउंदे पैदल चलदे सन। मेरी भाषा तुहानूं समझ लग रही मैं जिहड़ी बोल रहा, क्योंकि एक तो मेरी पेंडू भाषा पिंड दी, ते एक बिल्कुल मैं बार्डर दा रहण वाला हाँ, जिला गुरदासपुर पाकिस्तान दे बार्डर दे लागे मेरा पिंड है। तो साड़ी बोली कुछ ज़्यादा साधारण है। तो मैं कई बार मैं गुरदासपुर वाले लोग जोड़े हैं मैं पछाण लेंदे, भाषा तो पछाण लेंदे। तो साढ़े बजुर्ग आनंदपुर साहब दर्शन करने वास्ते आते सन होले महल्ले ते विसाखी के पुरब ते जथे दे रूप में। जदों असी उन्होंने वापस आना तो साढ़े माँ बाप ने सानू बच्चों कहना कि आओ साढ़े बजुर्ग जड़े आ वो आनंदपुर साहब तो आए हैं, दर्शन करके आए हैं गुरु के, उन्होंने पैरों हथ लाना है क्योंकि गुरु की नगरी तो आए हैं, गुरु के दर्शन करके आए हैं। इस करके सचखंड श्री हरिमंदर साहब की वो
थां इन्नी पवित्र है, इन्नी वड्डी है। आपां नूं जे साल विच किते इक सुभाग मिल जावे दर्शन करन दा, ते आपां समझदे हाँ कि मैं सारा साल खुशी बनी रहिंदी है ना। श्री हरिमंदर साहिब गया सी, दर्शन कीते। ये तो कीर्तनी मैं इस करके बहुत वड्डे भागां वाले कहिंदा हाँ, क्योंकि इन्हां नूं ते उत्थे बैठ के कीर्तन करन दा सुभाग प्राप्त होंदा। उस जगह ते जिथे गुरु अर्जन देव जी जिथे कीर्तनी बैठते ना जी, अजकल इत्थे बैठ के कीर्तन करते सन गुरु अर्जन देव जी। जिथे सतगुरां का प्रकाश हुंदा है, इत्थे प्रकाश शुरू तो इत्थे होया है। इस ताबिया दे विच बाबा बुढ़ा जी पहली बारी ग्रंथी बन के बैठे सन। सो वह थां बहुत वड्डी है। सतगुरु आप भी आखदे ना, डिठे सभे थां नहीं तुत जिहा। ये उस दर दे कीर्तनियां हन। होर भी वड्याई वाली गल ये है कि साढ़े पंथ दे बड़े ही विद्वान कीर्तनी है, बहुत वड्डे महान कीर्तनी है, जिन्हां वर्गा मेरा ख्याल ना अजे तक कोई कीर्तनिया जम्मिया है ना जम्मेगा। भाई साहब भाई गुरमेज सिंह जी कोई सधारण कीर्तनी नहीं हैं जी। आपनू शायद पता होगा, भाई साहब जी नू अखां तो दिखाई नहीं दिंदा, नेत्रहीन हैं, पर जिहड़ा उन्होंने काम किया है शायद अखां वाले भी नहीं असी करते। उन्होंने नेत्रहीणा वास्ते साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का वो जिहड़े नेत्रहीन भाषा पढ़ते हैं बरेल की भाषा, उस विच गुरु साहिब का पूरा स्वरूप तैयार करवाया। और करीबन करीबन भाई साहब दस रहे सन कि 6 साल उन्होंने लग्या, टोटल टाइम सी 6 साल का, कि इन्ने साल सालों के सतगुरों का पावन स्वरूप तैयार होएगा। पर उन्हां दी बड़ी सख्त घालना सी, उन्होंने करीबन 2.5-3 साल विच पूरा कर लिया। इत्थे ही बस नहीं, तैयार ही नहीं किया। भाई साहब दस रहे सन 17-18 वारी उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब का संपूर्ण पाठ कर लिया, आदि तो लैके एक ओंकार तो 18-10-20 तक 17-18 साल उन्होंने सहज पाठ कर ले हैं। मैं लगता मैं भी अखां वाला, तुसीं भी अखां वाले, असी शायद इन्ने नहीं किए हो, कई ने तो एक बारी भी नहीं किए होने, कई ने तो कन्ना नाल सुनिया भी नहीं होना। सो उन्हां कोलों भाई साहब उन्होंने कीर्तन सिखिया, उन्हां दे सहयोगी बन के कीर्तन करते रहे। सो भाई साहब उन्हां ते सतगुरु की बड़ी बख्शिश है। मैं अज उन्हां नूं पहली बारी सुनिया, वो व्याख्या भी बहुत सुंदर कर, चंगी कीर्तनियां की निशानी है कि जिन्हां नूं विचार भी आउंदी होवे। मैं तो सारी उम्र सिख नहीं सकिया, सतगुरां दी बाणी मैनू थोड़ी थोड़ी हुण समझण लगन लगी है, थोड़ी थोड़ी। संगत नूं पता है, जिहड़े मैं शब्द बहुत चिर पहलां पढ़दा सी, मैनू करीबन 40 साल हो गए कीर्तन करदे नूं, जिहड़ा मैं 40 साल पहलां शब्द पढ़दा सी, जदों मैं हुण पढ़दा मैनू इंज लगदा मैं नवां ही पढ़ रिहा शब्द। साहिब मेरा नीत नवां, और जिंदगी दे नाल ही अर्थ भी बदलदे जांदे आ। जिमें जिमें उम्र वढ़ेरी हुंदी है तिवें तिवें समझ वधदी जांदी है। इंज लगदा है इस शब्द नूं मैं पहली बारी गा रहा, पढ़ रहा, पहली बारी समझ रहा। सो ये भी सतगुरु की वड्याई है कि उन्होंने इसां नूं जिथे अपनी गोद विच बिठा के कीर्तन करन दा सुभाग बख्शिया, उत्थे विचार भी बख्शी है। भाई साहब भाई आत्मा सिंह जी मेरे नाल बहुत प्यार करदे हन, क्योंकि वह चंगी आत्मा रखते हैं, इस करके कीर्तनिया नाल स्नेह करते हैं। मैं आप संगत का ऋणी हाँ, आप दे प्यार दा मैं कर्जदार हाँ, जो मैंने तुसी समय समय सिर बुलाते हो सतगुरु की बाणी का कीर्तन करन दा, मैनू इस वाग प्राप्त हुंदा। तो आओ जी, मैं आप जी नूं हुण कीर्तन सुनावांगा।
ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੱਝ ਵਿੱਚ, ਕਰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀਆਂ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੋ ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਇਓ, ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸ਼ੌਕੀਨ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਸੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨਾ ਜੀ, ਚਾਹੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਈਏ, ਉਹ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫਲ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਉਂਦੇ ਨਾ, ਉਹੀ ਪਲ ਸਫਲੇ ਹਨ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਬਾਹਰ ਹਦੂਦ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਆਓ ਜੀ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੋਏ ਹਨ, ਔਰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿਤਾ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪਾ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵੀ ਬਣ ਗਏ, ਤਾਂ ਤਖੱਲਸ ਲਗਾ ਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ। ਉਸ ਮਹਾਨ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਗਾਈਏ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ। ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵੀ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹਨ, ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਗਾਇਨ ਸੁਣਨਾ। ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੁਣਤੇ ਪਨੀਤ, ਅਤੇ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ। ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੱਜਣ ਜੀ ਦਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਜੀਵਨ, ਤੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਉੱਜਲ ਕਹਿ ਚਿਲਕਣਾ ਘੋਟਮ ਕਾਲੜੀ ਮੱਸ। ਤੋ ਰਾਤੀਂ ਉਹ ਜੀਵਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ, ਸੋਚ ਕਰਕੇ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਕੇ, ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਠੱਗ ਸੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਤਾਂ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਇਆ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਉਚਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ, ਦਰਗਾਹੀ ਬਾਣੀ, ਆਤਮਾ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਸੱਜਣ ਨੇ। ਰਾਤ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦਾ, ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਸੱਜਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ, ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਣਨਾ ਅਤੇ ਸੁਣਾਉਣਾ ਦੋਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਗੁਣ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੰਝ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਆਓ ਜੀ, ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਗਾਇਨ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਵੀਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ, ਸਮਾਪਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਲਿਹਾਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ 9:30 ਵਜੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 8:30 ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਾਉਣਾ।
तो सवेरे भाई साहब होर ने आसा दीवार का कीर्तन करना, तुसी वह भी सुन आयो। मैं कई बार गुरसिखा बेनती करता हूं कि आप मर्यादा का रौला पा के बह जाने ना थां थां ते, जे कि सिखा आसा दीवार का कीर्तन सुनना आ जाए, बाणी विचारना आ जाए तो कोई रौला नहीं रहेगा। ऐसी कमाल की मर्यादा है, क्यों भाई साहब? आसा की वार दे विच होर किसे मर्यादा की लोड़ ही नहीं। आसा की वार एक बहुत बड़ी मर्यादा है, बहुत बड़ी जुगत है, एक बहुत बड़ी जीवन जाच है। रहत मर्यादा सिख दी, रहत मर्यादा सिख दी, सिख दी रहत मर्यादा। तो भाई साहब होर ने सतगुरों की बाणी का कीर्तन करना है, आयो जरूर सुनियो। और तुसी भाई साहब को जो कीर्तन सुनोगे ना तो एकाग्रता अपनी जी इंज रखियो कि तुम सचखंड श्री हरिमंदर साहब के अंदर बैठे हो, क्योंकि इन्हों का लहजा नहीं बदलेगा। दरबार साहब के कीर्तनियों को मैं सुनता हाँ, जिहो जिहा कीर्तन ये सचखंड श्री हरिमंदर साहब के अंदर बैठ के करते हैं, उस तरह का कीर्तन अपने लहजे के बाहर भी करते हैं। जरा अंतरात्मे एकाग्र हो के बाणी सुनोंगे भाई साहब अपने पासों, तो सच्ची मुची जो कदे नहीं भी मौका मिले हरिमंदर साहब जाने का तो तुहाडी इत्थे हाजरी लग जाएगी जी। आओ जी, मैं हुण तुहानूं कीर्तन सुनावां, तुसीं बोर तो नहीं होए ना मेरियां गल्लां तों? हाँ, मैनूं पता बोर होए हो। आओ जी, मिलजुल के गाइए। इन बेद मन हरिया होए, इन बेद मन हरिया होए, इन बेद मन हरिया in the middle।
हर हर नाम जपे दिन राति, हर हर नाम जपे दिन राति, गुरमुख हूँ मैं खटे तोए इन बिद मन हरिया सतगुर पाए जग हरिया, सतगुर पाए हर हर नाम जपे दिन राति, हर हर नाम जपे तो इन बिद मन हरिया हो, इन बिद मन हरिया हो। फल फूल लागे जया पे लाए, फल फूल लागे जया पे लाए, हाँ फल फूल लागे जया पे लाए, फल सतगुर पाए मूल लगे ता सतगुर पाए, हर हर नाम जपे दिन राति, हर हर नाम जपे तो इन बिद मन हरिया हो, इन बिद मन हरिया आप बसंत जगत सब वाड़ी, आप बसंत जगत सब वाड़ी, आप बसंत जगत सब वाड़ी, आप बसंत जगत सब वाणी, नानक पूरे माग भगत निराली, नानक पूरे माग भगत निराली, हर हर नाम जपे दिन राति,
अपने सेवक को कब हूँ ना विसारो, अपने सेवक को कब हूँ ना विसारो, अपने सेवक को कबू ना बिसारू, ओ अपने सेवक को कबू ना बिसारू, और लागो स्वामी प्रभ मेरे, पतत पावन प्रभु बिरद तुम
हमरे दुख हृदय मत तारो। जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही हो, मैं पटल कृपा कर जरो। जीवन प्राण हर तन सुख तुम ही हो, मैं पटल कृपा कर जरो। अपने सेवक को अपने सेवक को जल बेहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारो। जल बेहून मीन कत जीवन दूध बिना रहन कत बारो। जन नानक प्यास चरण कमलन की एक दर्श स्वामी सुख बारो। जन नानक प्यास चरण कमलन की एक दर्श स्वामी सुख सारो। अपने सेवक को कबू ना बिसारो। अपने सेवक को कबू ना बिसारो। उरला गो स्वामी प्रभु मेरे, उरला स्वामी प्रभु मेरे, पूरित बिंद विचारो। प्रीत गोविंद विचारो। अपने सेवक को कबू ना विसारो। अपने सेवक को कबू अपने सेवक को कबू ना विसारो। तुम मिलते मेरा मन जियो, मेरा मन जियो। तुम मिलते मेरा मन जियो, मिलते मेरा मन जियो। तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन। तुम मिलो दया ओ, तुम मिलो दया। तुम मिलते मेरा मन जियो,
मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, निस्बासुर मन आनंद हो, निस्बासुर मन आनंद हो, चितवत कृपा, चितवत कृपाल, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन तहल करूं तेरे दास की, पग चारों बाल, तहल करूं तेरे दास की, पग चारों मस्तक अपना पेट दो, गुन सुनो रसाल, मस्तक अपना पेट दो, गुन सुनो रसाल, गुन सुनो रसाल, गुण सुनो रसाल, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जगत उद्वारन साध प्रभ तिन लागो पाल, जगत उद्वारन साध प्रभ तिन लागो पाल, मौको दीजे दान प्रभ संतन पगराल, मौको दीजे दान प्रभ संतन पगराल, संतन पगराल, संतन पगराल, तुम मिलते मेरा मन जियो, 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 निस्बासुर मन आनंद होत, निस्बासुर मन आनंद होत, चितवत कृपा,
चितवत कृपाल तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो। उकत से आनप कछ नहीं उगत से आनप कच नहीं कछ काल अरम है राखो मो अर्म है राखो मोहते काटो जमजाल काटो जमजाल काटो जमजाल तुम मिलते मेरा मन जियो मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो तुम मिलते मेरा मन जियो। बिनो करूं करुणापते पिता प्रतपाल बिनो करूं करुणापते बिनो करूं करुणापते बिनु करूं करुणापते पिता प्रतपाल बिनु करूं करुणापते बिनु करूं करुणापते बिनु करूं करुणापते पिता गावो तेरे साध संग नानक सुख सार गुण गावो तेरे साध संग नानक सुख सार नानक सुख सार नानक सुख सार
ओम मिलते मेरा मन जियो, ओम मिलते मेरा मन सुबासुर मन आनंद होत चितवत कृपा, चितवत कृपाल तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते मेरा मन। तुम मिलो दया, तुम मिलो, तुम मिलते मेरा मन जियो, तुम मिलते। सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारी, सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे, जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे, सेवक की अरदास प्यारे, गुर प्रसाद को शब्द पहचान, तू बेअंत को विरला जाने, गुर प्रसाद को शब्द पहचान, गुर प्रसाद को शब्द पहचाने, सेवक की अरदास प्यारे, सेवक की अरदास प्यारे, जप अरदास प्यारे, सेवक अरदास प्यारे।
दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते जिसे जनावो दयाल पुरख मेरे प्रभ दाते जिसे जनावो अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे सेवक की अरदास प्यारे सदा सदा जाई बलहारी इत उत देखो ओट तुम्हारी सदा सदा जाई बलहारी इत उत देखो अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे निर्गुण गुण किछु न जाता नानक साधु देख मन राता मोहे निर्गुण गुण किछु न जाता नानक साधु नानक साधु देख मन राता सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे जप अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रभ चरण तुम्हारे सेवक की अरदास प्यारे Thank you.
अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे सेवक की जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारी सेवक की अरदास प्यारे सेवक की अरदास प्यारे जप जीवा प्रभु चरण तुम्हारे हम कुकर तेरे दरबार हमको कर तेरे दरबार हमको कर तेरे दरबार पांव कह आगे बदन पसार बदन पसार हमको कर तेरे दरबार हमको कर तेरे तेरे द्वार
साथ मेरे दगा हमको कर समस्त कपाग ले
रास जन पाया फेरता का सुहा अमृत रास जन पाया बदन पसार पाँव कह आगे बदन पसार हमको कर तेरे दरबार हमको कर तेरे सन्मानयोग सत्संगी जनों इस साल दे अखीरले महीनों विच मैं इस करके अखीरले महीनों विच कहा क्योंकि गुरु साहब की जो शताब्दी आ रही है करीबन करीबन हुण तो ही मनाना शुरू कर दिता है ते अखीरले जिहड़े दो तीन महीने हैं उन्हां विच तां थां थां ते सतगुरां दा 550 साल आगमन पुरब जो शताब्दी दे रूप विच आ रहा उस नूं मनाया जाएगा तारीख शायद 12 नवंबर नियत कीती है 12 नवंबर नूं गुरु नानक साहब जी दा आगमन पुरब है फिर भी पता नहीं अजे कोई ये फैसला आखिरी है जां होना है बदलना है इस तरह के हालात बने हुए ना जी तो मैं आप संगत नूं बेनती करांगा इस शताब्दी नूं आपां बहुत ही चा नाल खुशी नाल मलारां दे नाल मनाउणा है गुरु नानक साहब जी ने संसार दे लोकां नूं चंगे रस्ते दसे कर्मकांडां तों और एक सांझा जो धर्म है इंसानियत दा उस तों जाणू करवाया सारे संसार ते उपकार कीता है कुछ कु गल्लां हन मैं आप जी दे नाल बेनतियां दे रूप विच करनियां हन एक तो आप कोशिश करिए अपने घर साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का प्रकाश करके बाणी का सहजे सहजे पाठ करिए जो प्रकाश नहीं भी करना आप जी पोथियों तो सतगुरों की बाणी का अभ्यास करो अजकल होर भी सहूलत हो गई है मैनू वैसे इंज लगता है जो पोथियों तो पाठ किया जाए या सतगुरों के सरूप तो पाठ किया जाए उस श्रद्धा ज़्यादा है उस प्यार ज़्यादा है पर एक सहूलत बन गई है कि असी अजकल कंप्यूटर से भी पाठ कर लेंगे लैपटॉप से टैब इन्हों भी कर लेंगे मैं बहुत सारे गुरसिखों देखिया मैं खुद भी पाठ करता हाँ क्योंकि एक थां तो दूसरी थां ते रोज़ बदलती रहिंदी है पोथियां चुक के ले जाणियां अदब बेअदबी का ध्यान रहिंदा है सो यह सहूलत है
मेरे हिसाब न कुछ गलत नहीं है क्योंकि अपना फोन तो भी तो बाणी देख रहे हैं ना। हाँ, इन्ना जरूर ध्यान रखा जाए बाणी नूं पढ़द्या सिर कज के रखना, जिथे बैठना उत्थे साफ सुथरी जगह करके बैठना। एक तो सहज पाठ आप जी जरूर करो। दूसरी बेनती है, दुनिया दियां कुछ वड्डियां भाषावां हन, 114 दे करीब भाषावां हन, जिन्हां विच्चों पंजाबी भाषा जिहड़ी है ये बहुत गिणती विच बोलण वालियां दी 7वें नंबर ते है पंजाबी भाषा। तो मैं बड़े अफसोस नाल तुहानूं दस रहा हाँ, 7वें नंबर ते सी असी पंजाबी बोलण वाले घट गए हाँ, इस करके असी 10वें नंबर ते आ गए हाँ, और ये चिंता दा विषय है। 10वें नंबर ते असी अपने घरां दे विच पंजाबी नहीं बोलते, असी अपने बच्चों के नाल पंजाबी नहीं बोलते। पर याद रखियो, जिसनों आपां मां बोली आखते हैं ये गुरु बोली भी है, और गुरु साहब इस भाषा नूं, इस लिपि नूं, इस बोली नूं बहुत प्यार करते। जे प्यार ना करते होंगे तो किसी होर भाषा में लिखा होंदा साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब। होर भाषावां दे अखर हैं गुरु ग्रंथ साहिब दे अंदर, पर लिपि नहीं बदली, लिपि गुरमुखी रखी। असी अगां वधू सोच दे विच अपनी भाषा तो दूर होंदे जांदे आ। ते मैं अर्ज करदा, किसी भी कौम की जो भाषा होंदी उस विच उसका विरसा होंदा, उस विच सभ्याचार होंदा, उस विच बाबाणियां कहानियां पुत सुपुत करेन वालियां जो साढ़े बजुर्गों के करैक्टर हैं किरदार हैं वो छुपे होंदे हैं भाषा च। तो सब तो वड्डी मैं बेनती करा, गुरु ग्रंथ साहिब की जो बाणी है किसी दूसरी भाषा में लिखी ही नहीं जा सकती। कुछ अक्षर ऐसे हैं जिहड़े होर किसी भाषा में नहीं मिलते, जिवें नहीं है शब्द है, ये मैनूं पक्का पता तुहानूं उड़ा उड़ा नहीं आउंदा, किसी नूं भी नहीं ना आउंदा, किसी नूं आउंदा। हाँ, मेरी उम्र के लोगों को आता, नवे तो भुल गए। ऊड़ा ऐड़ा दे विच दो अक्षर ऐसे हैं, एक नहीं शब्द, एक नहीं शब्द, एक किसी होर भाषा में लिखी नहीं जा सकती। क्यों भाई साहब जी? नहीं लिखी जा सकती। मैं देखिया रोमन इंग्लिश दे विच जिहड़े लिखे हुए ना नहीं शब्द, वो पता नहीं लगता, लिखा नहीं जा सकता जी किसी भाषा में। तो जो किसी भाषा में लिखे नहीं जा सकता फिर किमें असी शुद्ध पढ़ांगे? सी इस करके अपनी बोली दे नाल प्यार करो। मैं बाहर अंदर जाने का मौका मिलता जी विदेशों में, तो मैं देखिया, मैं साउथ हाल तुरिया जा रहा सी, ते पिछों एक काला ते एक गोरा दोने जने तुरे आ रहे थे, मैंने कहिंदे भाऊ जी की हाल है। मैं पिछे नूं देखिया, मैं कहा भाऊ जी तो साढ़े गुरदासपुर गुरदासपुर बोलते जी, भरा नूं भाऊ जी कहिंदे। मैं पिछे नूं देखिया, भावें उन्होंने दो ही अक्षर बोले, इसका मतलब ये होया उन्होंने ये दो अक्षर भी चंगी लगे। क्या बात है, उन्होंने कन्नां दे विच पए, उन्होंने सिखिया दो अक्षर कहने सीख ले, उन्होंने चंगे लगे। मैं इस तरह बेनती कर रहा सीगा कि सानू अपनी भाषा नाल पंजाबी नाल जुड़ना चाहिए है, होर भी भाषावां सीखो चंगी गल है, अंग्रेजी आनी चाहिए है। मैं तो यह भी कहना हाँ कि उर्दू उर्दू भी आना चाहिए है, जेड़े उर्दू जानते हैं वह गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी में बड़ा शुद्ध पढ़ सकते हैं। उर्दू भी समझो,
संस्कृत भी समझो। हिंदुस्तान की जी इस वे हालात बने हुए ना, उसका एक कारण है बहुत बड़ा। किसी भी कौम का, किसी भी मुल्क का जो संस्कृति जुड़ी होंगी ना जी, वो भाषा में होंगी है। ये हिंदुस्तान की भाषा सी संस्कृत। संस्कृत वेद शास्त्र सारे संस्कृत में लिखे हुए हैं। संस्कृत गई, संस्कृति भी गई। हालात बहुत चंगे नहीं हैं इस मुल्क के। असी अपनी भाषा नाल प्यार करिए। साड़ी भाषा बड़ी प्यारी है, बहुत मिठी है भाषा। मैं इस करके तुहाडे नाल दर्द फोल रहा हाँ, जदों मैनूं पता लग्या कि असी पछड़ते जाते हाँ। और तुहानू ये भी पता होएगा, बहुत सारिया कौमां ऐसियां हैं जिन्हां ने अपनी भाषा भुलाती, वो खत्म हो गई हैं। और बड़ी तेजी दे नाल पारसी खत्म हो रहे हैं, गिनती दे रह गए हैं, क्योंकि भाषा तो दूर हो गए अपनी तो। ते जे असी भी अपनी भाषा तो दूर हो गए तो फिर सानू बचाउण वाला कोई नहीं है। इसलिए एक तो मैं आप जी नू ये बेनती करता हाँ कि अपनी माँ बोली नाल, अपनी गुरु बोली दे नाल प्यार करो। घरां दे विच बोलो, अपने बच्चों के नाल बोलो। अंग्रेजी की जरूरत पैंदी तो उस अंग्रेजी भी बोलो। तो मैं वो गल कर रहा सा, मैंने एक बीबी कहती भाई जी तुहानू अंग्रेजी आती? मैं क्या जी नहीं मैनू नहीं आती। कहिंदे इस करके तुसी कहिंदे पंजाबी बोलो। मैनू उसने होर भी कौड़े शब्द कहे कि तुसी भाई लोग अनपढ़ गवार, तुहानू की पता। पर मैं बेनती करा, ज्ञान किसी भाषा का मिथाज नहीं है, ज्ञान अखरां का मिथाज नहीं है। ज्ञान नूं किसी अखर की जरूरत नहीं होंदी। जिन्हां नूं अंग्रेजी नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि वह गवार हैं। जिन्हां नूं संस्कृत नहीं आती इसका मतलब ये नहीं कि वह गवार हैं। चीन विच अंग्रेजी नहीं बोलते, अपनी भाषा बोलते हैं। चोटी के विद्वान हैं उत्थे। रूस विच मैं हुण देखिया साइन बोर्ड लगे हैं, वो किसी भाषा नूं होर नूं मनदे ही नहीं सन। बड़े विद्वान हुए हैं। साडे पुरखे बड़े विद्वान सन। अंग्रेजी का बोलबाला तो हुण होया। साडे वडेरे बहुत विद्वान सन। खैर मैं आप जी नूं हाथ जोड़ के बेनती करदा, अपनी माँ बोली नूं बचाइए। सतवें तो दसवें दे चले गए हाँ, तो पता नहीं होर कित्थे चले जावांगे। और ये भी मैं बेनती करा, ये जिहड़ी घाटे की दर है बाहर नहीं है, बाहरले मुल्कां च नहीं, उत्थे पंजाबी बोलते हैं। गुरुद्वारां दे विच ओह लोग यतन करते हैं कि साडे बच्चों नूं पंजाबी पढ़ाई जाए, छोटे छोटे स्कूल बनाए हुए हैं। एक घटन की दर इत्थे है भारत विच, जिथे असी वसदे हाँ, जिस मुल्क दे असी वसनीक हाँ। दूसरी बेनती करा, तुहानू गुरु नानक पिता जी कुदरत नाल बड़ा प्यार करते सन, सदके जाते हैं इस कुदरत तों, और कुदरत विच ही वह परमात्मा के दर्शन करते हैं। बलहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख, तेरा अंत ना जाई लखिया। उन्होंने देखिया तरह तरह की कुदरत की सिरजना। ऐसा कारीगर जिसने इस कुदरत नूं सिरजिया है। बनस्पति नाल प्यार करते हैं बहुत सारा। आपां बनस्पति नूं बचाउणा है। ये मैनूं पता है शहरियों के कोल जमीन नहीं है, पर किते भी तुसीं यतन करो, गुरु नानक साहब जी दे 550 साल पूर्व नूं समर्पित हो के किते एक दरख्त लगा दिओ। जे घरां दे विच है जगह तो एक दरख्त लगाओ।
और जिवें जिवें वड्डा होएगा तिवें तिवें गुरु नानक साहब नूं याद करदे रहो कि सतगुरां दा 550 साला शताब्दी पुरब मनाया सी, उस वेले दरख्त लगाया सी। बोर ते पिप्पल ये दो ऐसे दरख्त हैं, होर भी दरख्त हैं पर यह तो खास करके इन्हों मनिया गया, एक 24 घंटे सानू ऑक्सीजन देंदे। मैं पंजाब की गल करा, पंजाब दे विच विद्वाना ने खोजिया ने एक गल बड़े जोर नाल कह दिती है कि आने वाले 10-12 साल बाद पंजाब की धरती तो पानी खत्म हो जाना। अफ्रीका का एक देश है, उत्थे पानी खत्म हो गया। पंजाब दे विच जिहड़ा पानी है जमीन विच सिर्फ 10-12 साल का रह गया। वातावरण इन्ना गंदला हुंदा जांदा है, तुहाडे दिल्ली विच भी और साढ़े पंजाब विच भी, कि 2050 तक जे अज ना असी ध्यान दिता, ना असी इस गल वल ध्यान दिता, तो साढ़े हर बच्चे नूं हर प्राणी नूं अस्थमा होएगा। और वो दिन भी दूर नहीं होणगे जदों सानू ऑक्सीजन लैण वास्ते साह लैण वास्ते ऑक्सीजन बाज़ार चों मिलनी मिलेगी। एक समा हुंदा हुंदा सीगा ते साढ़े बजुर्ग कहिंदे हुंदे सी कि पानी की इन्नी थोड़ हो जाने कि बोतलों विकेगा पानी। असी अपने दादे नूं कहना ये किवें हो सकता, पानी भी कोई वेचण वाली चीज़ है, अज विक रहा है क्योंकि पानी की थोड़ है। सारी दुनिया के 2% पानी रह गया पीण वाला। सो मैं ये कुछ कुछ जरूरी बेनती है, ये मैंने इंज लगता है कि तुहानू भी लगता होगा कि भाई जी वाधू गल्लां करी जांदे हन, पर आने वाले समय के मैने वड्डे रखणगे। ये गल्लां जिहड़ियां अज आपां सुण के विसार देवांगे, ये साडी जिम्मेवारी बनती है। मैनूं जिवें इंज लगता है कि मैं तो अपनी उम्र हंडा के शिखर ते पहुँच गया हाँ, पर मैं अपने बच्चों वास्ते की किया, इटा कट्ठिया कीतिया, जमीन कट्ठी की होएगी, हवा कितों लैणगे, साह किवें लैणगे। उन्हां वास्ते मैनूं एक दरख्त भी लगाना पएगा। पिप्पल ते बोर ये साड़ी विरासत विच सी, इस करके इन्हां नूं पूजिया जांदा सी, होर कोई कारण नहीं सी, पूजिया इस करके जांदा सी कि इन्हां विचों 24 घंटे सानूं श्वास मिलता है, सानूं एनर्जी मिलती है, सानू जिंदगी मिलती है, जीवन देंदा सी, पर धड़ाधड़ वढ़ के असी तबाह करके रख दिता। सो इस करके जिथे भी कितें तुहानू कोई जगह मिलती है, सड़कों के किनारियां ते या किसी पार्क विच, वध तों वध कोशिश करो दरख्त लगाओ। सारी दुनिया के विच इको सिख एक संस्था बनी है, डॉक्टर राजविंदर सिंह उत्थों दे, राजवंत सिंह वाशिंगटन के रहने वाले हैं, उन्होंने सारी दुनिया के दरख्त लगाने की मुहिम शुरू की है कि असी गुरु नानक साहब के गुरपुरब तक 10 लाख दरख्त लगाना है। सारी दुनिया वास्ते है, कल्ला साढ़े वास्ते नहीं, पर असी सिख हाँ, असी वारस हाँ गुरु नानक दे, इस करके साडा ज़्यादा फर्ज बनता है। सतगुरु बख्शिश करे जी, मेरिया ये बेनती हैं। तो जिथे बहुत सारे गुरु प्यारे यतन कर रहे हैं गुरु नानक साहब के गुरपुरब से कुछ विशेष करन दी, उत्थे मैं आप जी दे ज्ञात वास्ते बेनती करा, आप नूं खुशी भी होएगी। साढ़े कोल बहुत वड्डे विद्वान हैं, प्रिंसीपल सुखवंत सिंह जिहड़े गुरु ग्रंथ साहब जी दे रागां दा बड़ा ही ज्ञान रखते हैं। उन्होंने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है, 125 शब्द हैं और 110 दे करीब कीर्तनीय और हिंदुस्तान दे शास्त्रीय संगीत नूं समझण गाउण वाले चोटी दे गवैये उन्हां कोलों उन्होंने शब्द गवाया। आप संगत नूं बेनती है, तुहाडे सहयोग की जरूरत इस गल की है कि आप जी ने उस प्रोजेक्ट नूं खरीदना है, और वो जदों तुहाडे घर विच होएगा तुसीं एक माण महसूस करोगे। शास्त्रीय संगीत हिंदुस्तान का बड़ा वड्डा संगीत है जी, बहुत वड्डा। जदों असीं उन्हां लोकां नूं मिले जिहड़े शास्त्रीय संगीत गाउंदे हन, उन्हां नूं जदों दस्सिया कि गुरमत संगीत भी है, वो हैरान हो गए कि गुरमत संगीत भी है,
और उन्होंने एक गल मनी है कि गुरमत संगीत जिहड़ा शास्त्रीय संगीत तो भी वड्डा है। बोले सो निहाल। और उन्होंने लोगों ने बड़ी खुशी महसूस की कि सानू शब्द गुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का गायन करने का सुभाग प्राप्त होया। और बड़े प्यार नाल बड़ी रीझ नाल उन्होंने गाया। वो एक दो दिन विच उन्होंने तैयारी नहीं की, समा लिया, किसी ने महीना लिया, किसी ने दो महीने लए। और उन्होंने असी एक गल दसी कि शब्द बहुत वड्डा है, असी सिर इस करके ढकते हाँ। तुहानू पता होगा साडे पिंडां दे विच रिवाज सी हुण तां बीबियां सूट दे नाल चुन्नी नहीं खरीददियां, पता तुहानू चुन्नी लैण दा रिवाज नहीं है। साडे घरां दे विच जदों कोई बजुर्ग आ जांदा सी ते जे कोई बीबी नंगे सिर बैठी है तां झट सिर ढक लैंदी सी कि बजुर्ग आ गए हन। इह इक अदब दी निशानी है, वड्डियां दे अगे नंगे सिर नहीं जाणा। गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी बहुत वड्डी है, इस करके सिख नूं इह हदायत है कि कदे भी नंगे सिर पाठ नहीं करना, नंगे सिर गुरुद्वारे नहीं आउणा। और इत्थों तक भी हदायत है कि सिख ने कदे भी नंगे सिर नहीं रहना, क्योंकि असी परमात्मा नूं सर्वव्यापक मानते हाँ। वो हर थां है, हर जरे विच है, हर वेले है, हर वक्त हाजिर नाजर है। इस करके सिख नूं गुरु की हदायत है कि सिर नंगा नहीं रखना। तो ये मेरिया चंद कु बेनतियां हैं। असी वो जो प्रोजैक्ट है करीबन करीबन तैयारी विच है सारा ही, और कोशिश असी कर रहे हैं कि विसाखी तो रिलीज़ कर दिता जाए। तुहाडे कोल असी आवांगे उस प्रोजैक्ट नूं लै के, कीमत थोड़ी जी ज़्यादा है वो लगेगी, पर जदों तुसी वो अपने हाथ विच लओगे तुहानूं ये लगेगा, क्योंकि बाणी दा तो मुल नहीं ना हो सकदा सी। शब्द की कोई कीमत नहीं है। जिहड़े असी लोग भेटा मंगदे हाँ वो शब्द की भेटा नहीं मंगदे, कीर्तन की भेटा नहीं मंगदे, वो तो है ही नहीं ना जी। कोई भी नहीं कीमत दे सकता जी शब्द की। जदों उस प्रोजैक्ट नूं खरीदोगे तुसी एक माण महसूस करोगे, एड्डा वड्डा खजाना और वो इतिहासिक वस्तु बनेगी, बहुमुली वस्तु बनेगी, घर की शान बनेगी। घर दे विच जदों संगीत चलता होएगा, गुरमत संगीत चलता होएगा, और वो गल जिहड़ी है प्रतक हो जाएगी, घर घर अंदर धर्मसाल होवै कीर्तन सदा विसोवा। तो इतनी मेरिया बेनतियां प्रवान करनियां। कल नूं दासरिया ने 11 to 12 बजे तक कीर्तन करना है गुरुद्वारा साध संगत। सारा नूं पता ना जी तुहानूं। ते कल फिर आयो, फिर आपां कीर्तन करांगे मिलजुल के। गुरु रहमत करे जी। मैं आप संगतां दा धन्नवाद करदा हाँ। ये मैं अपने छोटे वीर भाई मनिंदर सिंह होरां दा भी धन्नवाद करदा, उन्होंने सहयोग के नाल मैं आया हाँ। तुसी सानूं दोनों भाइयों नूं बहुत प्यार करदे हो, और मैं कई बारी संगत विच भी आखदा हुंना कि सानूं करीबन करीबन 40 साल हो गए कीर्तन करदिआं। वैसे तो मैं मनिंदर सिंह ऐसी मैं 6वीं जमात विच पढ़दा सी जदों पिंड आसारीवार दा कीर्तन करके मैं स्कूल जांदा हुंदा सी। तो बजुर्गां दी देण है, मेरे पिता जी कीर्तन करदे सी, असीं दोनों भाई सवेरे कीर्तन करके आसारीवार दा फिर स्कूल जांदे सी। तो फिर भी मैं 1980 विच रागी जत्था बनाया सी। 1978 विच मैं शहीद सिख मिशनरी कॉलेज विच 2 साल दा कोर्स कीता। तो इंज करीबन करीबन मैनू 40 साल हो गए हन, और मैनू कदे भी नहीं लग्गा इन्हां 40 सालां दे विच कि मैनू उदों संगत बहुत प्यार करदी सी हुण घट करदी है। मैनू अज भी तुसीं उन्ना ही प्यार दिंदे हो, उन्ना ही माण दिंदे हो। हुण मैनू कई वारी लगदा उम्र करके शायद मैनू ज़्यादा प्यार करदे हो तुसीं। ये वडेरी उम्र का बड़ा फायदा होया जी, चिट्टी दाढ़ी नूं बड़ा प्यार करते हैं लोग, ये बड़ी सत्कारत हो गई है जी। सो आप संगतां दे मैं प्यार दा मैं ऋणी हाँ। भाई साहब भाई आत्मा सिंह जी और चड्ढा साहब भाई दलविंदर सिंह जी, इस गुरु घर के सारे सेवादारों का मैं धन्यवाद करदा हाँ। तो मैं हुण जी अमरीका जाना, 12 फरवरी मैं चलिया जाना।
तो हो सकता मैं 6 महीने ना मुड़ा जा, इस तो ज़्यादा समा भी लग जाए, तद तक तुसी गुरुद्वारा जरूर बना लिओ ताकि मैं जो आव नवे हाल में मैं कीर्तन करा और तुसी बड़े प्यार दे नाल सतगुरु की बाणी का कीर्तन सुनो। वो मुश्किल नहीं है कुछ भी, आप अपने घर बनाते हैं तो लोन लैके बना लेंगे करजा चुक के भी, ये तो अपना ही घर है ना, साझा घर जिते आप गुरु दियां गल्लां करनियां हन। तो किन्ने कौन गए जी जिहड़े तुसी दित्ते, ये उस फंड विच पा लिओ अज, ठीक है ना जी। भाई साहब जी तू शुरुआत हो गई है, कल कल जकारे ना गल नहीं बननी, पैसे भी पाने होर पा। तो ये जवाब जी ने माया दिती है, ये मेरा तो है ही कुछ नहीं, मैं घरों कुछ नहीं लैके आता, सच्ची मुची कह रहा, जो मैं जाना मेरिया जेबा भरिया होंगे तुसी दिंदे हो। ये जो कीर्ति है मेरी किरत भी है, और किरत जिहड़ी है वो तुहाड़ी जेब विच है, तुसी मैनू अदब देंदे हो, तुसी मैनू प्यार देंदे हो, तुसी मैनू गुजरान वास्ते माया देंदे हो। मैं हिरदे दियां गहराइयां तो रोम रोम तो आप संगत दा ऋणी हाँ, कर्जदार हाँ, तो भुल्लां चुक्कां दी खिमा, हाल जरूर नवा बना लिओ, तो बनना पैसों नाल है, तो पैसे तुसी देने देने है ना जी। भाई साहब जी बहुत अच्छा, तो ठीक है, भाई साहब होरां दा बहुत धन्यवाद, बड़ा प्यार करते हैं मैनू, कल नहीं सारे कीर्तनियों प्यार करते हैं, मैं कीर्तनियाँ मिलते हैं, तो जो इन की गल आती तो कहते भी बड़े चंगे, भाई साहब इदा कहते कहते बड़े चंगे है, ये तो भाई भाइयों की सिफत नहीं करते थोड़ी कि तुम बड़े चंगे हो। तो इतने ही कीर्तन की समाप्ति है जी, कल श्री गुरु सिंह सभा DLF का गुरुद्वारा कहें, हाँ मैं भी सीख लिया DLF फेस वन, अंग्रेजी मैनू आँदी नहीं ना, DLF ठीक हो गया जी, फुल फॉर्म की है जी, ये तुहानू पता होगा जी। सो इत ही कीर्तन की समाप्ति, कुछ कहना जी, आनंद साहब का मिलजुल जाप करिए, राम कली महला तीजा, आनंद सतगुर प्रसाद, आनंद पाया मेरी माँ, सतगुरु पाया सतगुरु पाया, परिवार परियां शब्द गावियां, नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया, हे मन मेरे तू सदा रहो हर नाल, हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना, अंगीकार करे तेरा कर्ज सब सवारना, सब नाम समरथ स्वामी सो को मनो सारे, हे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल, साचे पाया तुझको से नाम के लागे, नाम पैसा
गुरु पाणी पिता माता वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।